नारे लगा रहे थे, कब कहां पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगी, एक पांव जेल में एक पांव रेलवे सरकार की स्थिति थी, तब कहां काशी राम ने अगस्त 1977 में मैं 20 सेक्टर में जाता था, वहां आए और हमको मानसन किया कि विक्टर साहब ये लड़ाई आपको लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से जो आप चाहेंगे रिजर्वेशन खत्म, ये आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। और उन्होंने मेरे को बहुत डिटेल में 10 मिनट के अंदर, एक विद्वान मंच ने 10 मिनट के अंदर मेरे को सारा क्लास कैरेक्टर का समझाया, जो मैं इंक्लूजन कैपिटलिज्म टूरिज्म की बात करता था वहाँ मेरे को मन हुआ ग्रामीण कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म की बात थोड़ी उन्होंने ब्रिटिश अम्बेडकर था और आई वॉज क्लियर है। साथियों जो मेरे नाम के साथ धीमन सब आप लोग हिंदू संस्कृति जो ब्राह्मण संस्कृति है उसमें श्रीमान श्रीमती शब्द का प्रयोग होता है, महिलाएं भी यहाँ पे बैठी है उन्हें कितना मालूम है कितना नहीं। श्रीमान श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, संपत्ति से लक्ष्मी का मान मिला और श्रीमती तो साक्षात लक्ष्मी है, वो इंद्र जैन श्री से प्रॉपर्टी और श्रीमान मालिक ऑफ दी दैट प्रॉपर्टी उसका मालिक, इसलिए ये श्रीमान और श्री संस्कृति विशेष सूचक है, स्त्री पुरुष की समानता दर्शक नहीं है, इसलिए इस शब्द को हमने नकारा। समानता की जिस शब्दों में संबोधन में समानता ना हो, भाइयों बहनों कहते हैं श्रीमान श्रीमती में भेद है, भाइयों बहनों में हमें समानता नहीं। तो फिर हमने संस्कृति का अभ्यास किया, पाली का भी अभ्यास किया, संस्कृत का भी अभ्यास किया, प्राकृत भाषा का अभ्यास किया और थी शब्द का शोध किया। थी का रियल मीनिंग है टू थिंक, हमें दूसरी की मात्रा थी का मतलब होता है टू थिंक और थी मन जो थिंकिंग पर मास्टरी कर रहा है, थिंकिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकार है, इसे संक्षेप में कहा गया है कि जो विचार करने में प्रवीण है, एक्सलेंट इन थिंकिंग स्किल थी मन, और इसलिए स्त्री पुरुष दोनों ने थी मन एक साथ लगाया है, थी मन स्त्री भी लगा सकती है थी मन पुरुष लगा सकता है, इसलिए उत्तर के महाराष्ट्र में कांशीराम जी की चौड़ में ये शब्द बड़े पैमाने पर स्वीकार हुआ और हम महाराष्ट्र में एक दूसरे को संबोधन के लिए जीवन शब्द का उपयोग करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और मराठी में या हिंदी में या संस्कृत में जो धीमन के साथ एक नया प्रयोग राजा राजवाणा को लगाया जाता तो श्रीमंत पेशवा श्रीमंत राजा महाराज के साथ श्रीमंत शब्द प्रयोग किया था, धीमन धीमान और धीमती ये सुंदर थप्पड़ धीमान पुल्लिंग धीमती स्त्रीलिंग ये सुंदर शब्द है, धीम श्रीमान श्रीमती ये सुंदर शब्द है और श्रीमान एक क्रूर शब्द है, इसलिए हमने क्रूर शब्द के अंदर मान देने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को रखो, इसलिए धीमन शब्द का प्रयोग किया जो क्रूर शब्द है, जो आने वाले समय में ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में पुरुष पुरुष को स्त्री पुरुष को बरोबर कर देता दिलाने में मान सम्मान की लाइन में सबसे आगे रहेगा और एक्सेप्टेबल बनेगा और बड़ी तेजी से इस सब एक्सेप्ट होगा। साथियों मेरे पास समय कम है और आपसे बहुत सारी बातें करना है, कांशीराम जी के बारे में बहुत सारे अनुभव है, पेपर में आई बातें को आप लोग बार बार सुनोगे और भी वक्त आपसे बहुत सारी बातें करें, पर मैं उनसे अलग अलग बात करने चाहूंगा क्योंकि महाराष्ट्र से आया हूँ और कांशीराम जी ने जो उपयोग किया हुआ था वो महाराष्ट्र से कलकत्ता विचार में कलकत्ता की और उसका प्रयोग उत्तर भारत में, और जब महाराष्ट्र में प्रयोग फेल हो रहा था 1995 में बीएसपी पूरी तरह से आई, 1% वोट भी नहीं मिला बीएसपी और साफ बहुत महाराष्ट्र जिस समय नेशनल लेवल का लीडर पार्टी पूरी तरह से आ रही हो उस समय हमारा महापुरुष हमारा दायित्व उनको क्या मार्गदर्शन देगा, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र का बुद्धिजीवी वर्ग महालक्ष्मी के जैन गुणोत्तर की व्यक्ति थी उसमें हमें इकट्ठे करें फिर आ जाते लगभग वहाँ पर काशीराम जी ने एक छोटा सा पॉइंट बाबा साहब का संविधान सभा का अंतिम भाषण का एक छोटा पॉइंट रिपोर्ट किया और उससे बोला कि क्या कोई मुझे इसका अर्थ समझा सकता है, वी आर इंटरिंग इन टू कंडरेशन सामाजिक तौर से हम पॉलिटिकल तौर से समान होंगे और सामाजिक आर्थिक तौर से समझे बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसको देखकर मेरे को इसको कोई समझा सकता है, बड़े बड़े जुबान बैठे जो आज की लहर से पार्टी भी बना ली उन्होंने
और भी दूसरे विद्वान थे, मर भी गए, जिंदा है, सबके सामने प्रश्न किया, कोई उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं, पर मेरी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं कुछ बोलूं। तब साहब ने एक बहुत बड़ा सीधा साधा उत्तर, एक प्रश्न हम सबके लिए किया है, वो आज सबके लिए रिपीटिशन, सबके लिए सोचने का विषय है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना। आज 9 अक्टूबर 2018 में 9 साल साहब को पहले तारीख का 12 साल साहब को पहले हुए है, ये प्रश्न आज भी हमारे सामने है कि मूवमेंट में जो कमजोरी आई है, हमें जो इन इफेक्टिवनेस है, जो एक्सीलेंस हमारे ग्रुप में नहीं आ पाई है, इस पर पुनः सबको विचार करने की जरूरत है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। हम समझने में कहाँ कम पड़े हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना है। साहब हमारे बीच में बहुत सारे मार्गदर्शन करते थे, हमारे बीच में जो मैं पे व्यक्ति सोसाइटी पे डे लगाए, पे व्यक्ति सोसाइटी डे लगाए, मैं पे व्यक्ति सोसाइटी प्रोग्राम महाराष्ट्र का और उसके साथ साथ दक्षिण की 9 राज्यों का नेशनल कन्वीनर रहा, और साहब की देख रेख में मैंने काम किया। और उस बात को ध्यान में रखते साहब जब 2003 में बीमार पड़े, डेंगू को मैंने एक सजेशन दिया था, वो आपको रिपीट करके बता दूँ कि जो आपने एफिडेविट के द्वारा डेंगू के बर्थडे पर 2004 में एफिडेविट दिए थे, वो सजेशन PR अम्बेडकर महाराष्ट्र से लेकर आया, और उसके वजह से जो 10-15-20 हजार एफिडेविट प्रेस के सामने रखे, तब सुप्रीम कोर्ट से गैनजी का केस कमजोर हुआ और गैनजी जीत और उनके खिलाफ कानून करके नदी पर। इस प्रकार का समाज महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में साहब ने हमको जो चाहे, अभी हमारे साथी ने बोला कि वो जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, हमको उन्होंने स्टील करने के लिए सब्जेक्ट लिया कि बाबा साहब ने स्टेट ऑफ माइनोरिटीज ये डॉक्यूमेंट, ये इसकी पहली संविधान सभा को सब एमपी को बांटा था और उसके बारे में मुझे नोट दिया था, तो हम महाराष्ट्र के लोगों ने एक नोट दिया था, उसमें जो नोट था जो जमीन सरकारी है वो सरकारी का बहुत गहरा तत्व छपा हुआ है, वो था कि कलेक्टिव और कॉपरेटिव फार्मिंग शुरू करना। रेंजी 5 साल में 2007 से 2012 में वो प्रयोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, पता नहीं क्या मजबूती थी, जबकि साहब की हमारे बीच में चर्चा थी कि मायावती जब 5 साल की सीएम बनेगी वो जरूर इम्प्लीमेंट करेगी, और उसमें कलेक्टिव और कॉपरेटिव पार्ट, जिसके पास जो जमीन है जमींदारों की वो उसको हमको डिटेक्ट करना है, पर जो शासन की जमीन है, गांव पंचायत की जमीन है और छोटे छोटे किसानों के पास 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, इसके लिए उसको हम कलेक्टिव फार्म में बनाएंगे और इसको पूरा कंप्लीटली नेशनलाइज करेंगे, स्टेट प्रॉपर्टी बनेंगे, स्टेट इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करेंगे, तब शहरों की तरफ किसानों का भागना, आत्महत्या करना, भूखा मरना ये बंद होगा और ये एक इंडस्ट्री बनेगी, एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विच वाज ऑनरेबल कंसीनाम वाज इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। साथियों एक और बाबा साहब कंसीनाम जी के साथ चर्चा में बात हुई, तो मेरे बहुत डायरेक्ट उनके साथ बात हुई थी, तो हम साहब से बोले साहब 20-30 लाख हम दिल्ली के फुट क्लब के सामने खेले के रामलीला मैदान में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दिखता है तो इंसान बनता हुआ है, बन रहा है, बनता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे वहाँ से चलते सब अपने अपने घर जाते हैं, तो चार जीते हैं, चार के अंदर पर बढ़ जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अपनी जाति नहीं जाते। एक बहुजन समाज बनता तो है पर टिकता नहीं, बहुजन समाज बनता है, एक तो बड़ी मुश्किल से आती है, इकट्ठे आ पाती है, उसमें इलाज के बाद बहुत सारी चली जाती है, लेकिन यह किसी तरह से आगे जाती तो टिकता नहीं, इसका कारण क्या है। तब हमने संशोधन किया, आपको वो संशोधन मैं बता रहा हूँ कि हम कास्ट का इनर्सिया ऑफ दी कास्ट, IMMA अम्बेडकर कॉल फ्रॉम महाराष्ट्र, आज के यहाँ पर किसी भी JNU हमारे विवेक कुमार जी हैं, राजकुमार साहब भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वहाँ पर किसी भी महापुरुष ने लोगों ने या किसी वाइस चांसलर ने अभी तक ऐसे उनको नहीं दिया कि इन यूनिवर्सिटियों में दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर एम ए डॉक्टर अम्बेडकर और शुरू किया, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब तक हम कास्ट के ऊपर मास्टर नहीं बनते हैं, हम कास्ट को हैंडल नहीं करते, विदाउट नोइंग द कास्ट हाउ वी कैन हैंडल इट, इस
इसलिए कांच पर मांच की होना जरूरी है। आई एम इन अमृतकर थॉट टू समझते आई एम से आफ्टर ऑनरेबल काशीराम मोर देन मायावती जी आई एम मास्टर ऑफ कास्ट आई एम ए प्रॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड 81% से मैंने एमए पास किया है सिटी को थोड़ी अभ्यास किया है हाँ कम पढ़े इसका अभ्यास और इस अभ्यास के दौरान मैं आज एक डॉक्यूमेंट आया हूँ राजकुमार जी को दिया सुधीर साहब को भी दिया है उसके 5 पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करके मैं अपनी बात समाप्त क्योंकि समय कम है और मेरे को 10 मिनट के अंदर बात करना है 5 पॉइंट है मैं इन्हीं को पढ़ता हूँ इसको एक्सप्लेन करूँगा मेरा थॉट्स के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा एक दिन तो मेरे को 3 घंटे इसका एक्सप्लेन करनी चाहिए जब आप अभी चाहेंगे मैं तो 10-10 घंटे खड़े होकर इसकी कैडर कैंप लेने वाले व्यक्ति हूँ 5-5 दिन के कंटिन्यूस कैडर कैंप लेने वाले व्यक्ति फर्स्ट कोऑपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अंबेडकरिज्म फॉर यूनिटी सहका ये हमारी जीवन से गायब होती है जाति ने हमको आइसोलेशन में एक दूसरे के एंटी जैसे एंटी बॉडी में हमको डेवलप कर हम तो सम्राट अशोक के समय में एक संघ समाज इस संघ समाज में हम कैसे अपने आप को बदलें इसके लिए कोऑपरेशन सब जो बाबा साहब निश्चय मार्टी में कलेक्टिव फार्मिंग के द्वारा जिस समय 95% पॉपुलेशन रूरल थी उसमें कोऑपरेशन सब बाबा साहब इम्प्लीमेंट कर सकते थे उन्होंने 25 कंट्रियों का अभ्यास करके एक थीसिस को तैयार किया था कि लिए भारत की प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिजिटलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कन्वर्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये बात नहीं हो पाई और जब तक एक क्यों कि हम लोग भी क्यों नहीं समझ पाए क्योंकि हमने एक पॉइंट को अपने अंदर नहीं दे पाया राजकुमार जी भी ध्यान देंगे और दूसरे मेहमान भी ध्यान देंगे कि हमारे अंदर एक निहित कैपेसिटी है कैपेसिटी टू कॉपरेट ये हम इग्नोर कैसे इसे ओवरलुक कैसे कर रहे अगर ये ओवरलुक इग्नोर रहेगी तो हम अल्टरनेटिव बन गए दुश्मन का काम है हमको तोड़ना थोड़े थोड़े बनाए रखना जाति व्यवस्था का काम है हमको छोटे छोटे टुकड़े बांटकर इम्पोर्टेंट बनाना कॉपरेशन एक शब्द है जिसके आधार पर हम इकट्ठे हो सकते हैं और ये वो काम कौन कर सकता है इसके लिए हमें डेवलप करना होगा कॉपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ पर बहुजन इंटेलेक्स इंटेलेक्चुअल इनिशिएट है यस इनिशिएट होना चाहिए पर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कॉपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास सो लेट अस डी टू मूवमेंट टू आर कॉपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास कास्ट इज डेंजरस वायरस कास्ट इज डेंजरस वायरस एंटी वायरस क्या होता है सोचने का प्रश्न अंबेडकर साहब आपने बोल दिया कि कास्ट एक एंटी वायरस है कास्ट इज डेंजरस वायरस यस इट इज डेंजरस वायरस इट इज माय रिसर्च एंड आंसर थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटी वायरस थी मींस टू थिंक हमें थी कॉन्सेप्ट अशोक के समय में पटेल का अर्थशास्त्र जिनका उसका पहले अध्याय विद्या संबंधित में 4 विद्या का उल्लेख किया है अनिच की त्रय वार्ता और दंडी अनिच की त्रय वार्ता और दंडी 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 का हमको बहुत जल्दी है सामदान दंड की लेकिन त्रय तीनों वेदों की बात की थी वार्ता में व्यापार पशुपालन किसी पर लेकिन सब पहली विद्या जो है अनिच की फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल इन वॉज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ब्राह्मणों ने क्या किया जो जनेऊ पहनने का हक जारी होगा यानी जो वेद पढ़ने का अधिकार होगा उसी को ये अनिच की विद्या सिखाई जाएगी बाकी किसी को नहीं इसलिए इस विद्या को सीखने का से हमको वंचित किया और जो सोच विचार करने वाला समाज नहीं रहेगा तो ग्रामीण है परमानेंट गुलाम बनना हो उसे सोचना चाहिए इसको जाना ना जाए अनपढ़ लोग वेद सोचने का काम करते थे लेकिन उन्हें सोचने से ही छीन लिया गया कि सोच ना सके इतना हमको राजा और मजबूत किया आज हमारे पास सोल्यूशन है ब्राह्मण को मैदान में जाकर परास्त करना है मनुवादी सत्यों का मैदान में जा और तो बात क्या मोदी बहुत छोटी थी कॉन्सेप्ट से जा सकता सोच विचार करने वाला समाज सोच विचार करने वाला समाज बनाओ सोचना सीखो सोचना सीखा सोच विचार करने वाला भारतीय समाज बना जिस दिन एक एक व्यक्ति एक एक इंटेलेक्चुअल भोजन समाज का इस प्रिंसिपल को इस नए सिद्धांत को लेकर चलेगा उस दिन भारत में नया आंदोलन होगा ये मेरी नहीं ये काशीराम जी की ऐप में उनके द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है मैं बेल्जी को बताने से रहे बेल्जी मुझे सुनने को दिया नहीं आज भी होगी तुम्हें समझाना चाहूँगा कि जो बातें उन्होंने उनसे नहीं बोली वो कुछ बातें किया अम्बेडकर को बता के
और उसमें एक सिद्धांति है कि हमें वी हैव टू क्रिएट थिंकिंग पीपुल, और थिंकिंग पीपुल ही ना डरने वाला, ना बिकने वाला, ना मरने वाला। आज 11 मीटर को खरीदने की मोदी क्या मूड भागत क्या ये मता क्यों करते हैं देखे देखे। और वो कब होता है, जब वो ये जानता है कि मेरे गुण की ताकत, मेरे अपने आत्मता की ताकत, मेरी नैतिकता की ताकत कितनी बड़ी है, तब भाई वो स्टैंड करता है और इससे आता है मनोबल। जिस दिन हम अपने लोगों के मनोबल में ये थिंकिंग स्किल का बीज डालेंगे, और थिंकिंग स्किल का बीज डालने से परिणाम क्या होता है कि लोग नए नए तरीके से सोच विचार करके ना जमीन रास्ता ढूंढने वाले थे। इसलिए कांशीराम जी ने उनको पहला सेंटेंस बोला कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा, काम समझने का काम होगा। साथियों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थॉट्स हमारे बीच में जो लकुना रह गया है कि कॉपरेशन अगर पैदा करना है तो कॉपरेशन एजुकेशन है, कॉपरेशन ट्रेनिंग क्या है, कॉपरेशन इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल लेवल पर यूरो की कार्य संस्था है इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस, उन्होंने इसके बारे में 7 प्रिंसिपल बनाए हैं, उसका 5वां प्रिंसिपल कॉपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन है। जिस दिन हम ये अपने बीच में कॉपरेटिव एजुकेशन देना शुरू करेंगे, तब कॉपरेशन डेवलप, कॉपरेशन डेवलप होगा तो तमाम जातियों के व्यक्ति नहीं जातियाँ जुड़ेंगी, जातियों के व्यक्ति नहीं जोड़ना है, हमें जातियों को जोड़ना है। जब जातियाँ जुड़ेंगे तब भोजन समाज बनता निकलेगा, उसको प्रेम मनोवाद तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि इतना बड़ा दगड़ होगा कि इस पर अगर वो प्राणी मारेगा तो उचट उसको लगेगी और हम पर असर नहीं। दुधारी तलवार की जो बात करते हैं वो बात है। और एक बात और करता हूँ लास्ट में जाते जाते और अपनी बात समाप्त करूँगा। एक कोई 11 मीटर पहली बार आपके सामने नहीं, सम्राट अशोक ने कांशीराम जी जाते जाते हमारे बीच में लक्ष्य दे गए मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का भारत था क्या? मैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरन पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं सम्राट अशोक की एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोलने लगा। सम्राट अशोक की एजुकेशन पॉलिसी में जो अनिक्ष की विद्या थी, यानी फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल थी, जो केवल ब्राह्मण समाज के लिए सेपरेट थी, उसी के लिए थी, सम्राट अशोक ने जो राज जो शिक्षा राज को दी जाएगी वही प्रजा प्रजा के आम आदमी को दी जाएगी, इस प्रकार का उन्होंने नियम बनाकर, समानता का नियम बनाकर कि एजुकेशन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, एक मंत्री पार्टी का स्कूल लाया और इंटरनेशनल संस्थाओं के स्कूल लाया, गवर्नमेंट अलग होगा, नगर पालिका का स्कूल अलग होगा, ये भेद नहीं होगा, सारे एक ही शिक्षा होगी। कि सम्राट अशोक का एजुकेशन कॉन्सेप्ट जिस दिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे शासन प्रशासन की कामयाबी का वो कौन सा रहस्य है जिसके वजह से सम्राट अशोक आज की अपेक्षा तिप्पट भारत कितने भारत कलयुग के बाद कितना भारत की सीमा की रक्षा सुरक्षा कर सका, सार्वभौम की सॉवरेंटी की रक्षा कर सका और वेलफेयर स्टेट कर सका, वेलफेयर स्टेट क्लियर कर सका, जनता को खुशहाल और समृद्ध बना सका, इसका सीक्रेट क्या है? आज के विद्वानों के सामने इस दैनिक अंदर भी आने बैठ रहा हूँ। डोंट इग्नोर दिस पॉइंट, अपने आप में करो ये प्रहणी मानो सम्राट अशोक का भारत बनाना है, ये पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। सम्राट अशोक ने अपने राज्य में समता सुनता न्याय बंधुता जो बाबा साहब होते मैंने वहाँ से सिद्धांत दिए हैं सम्राट अशोक के इम्प्लीमेंट करें, और वो इम्प्लीमेंट उन्होंने एजुकेशन सिस्टम से किया। ये बात तो ऑनर ऑफ दी नालंदा विश्वविद्यालय है, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पहली से लेकर ग्रेजुएशन बनाया, थिंकिंग स्किल अनलिमिटेड की एक कंपल्सरी विषय के रूप में आया। तब ये भारत ईरान इराक तक इसकी सीमाएं थी, वो इस पर 100 साल तक लगा दिया। Nobody dared to attack the Indians. भारत पर किसी के अटैक करने की हिम्मत नहीं हो सकती। दूसरा, अगर अशांति होती, सिस्टम सही नहीं होता, गुजरे होता 100 साल तक भारत का अंतर तौर से अंदरूनी तौर से इंटरनली कहीं युद्ध ही नहीं होगा, इतनी बड़ी ताकत थी। ये सम्राट अशोक की एजुकेशन पॉलिसी, और उस एजुकेशन पॉलिसी में मौर्य सिद्धांत बहुत सारे हैं, पर लेकिन रास्ता ढूंढने वाला, जीवन में कामयाब होने वाला सिद्धांत सोच विचार करने का, सोच विचार करने की विद्या, इसे
पाली में अनुव्याकरण कहते हैं, संस्कृत में अनुशिक्ष कहते हैं, और आज हिंदी और सारी भाषा में जाए तो विचार कौशल विद्या फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, जिस दिन हम इस विद्या को अपने कैरियरों में अपने कार्यकर्ताओं में हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तब एक नई चीज का निर्माण होगा, जिसके लिए मैं आज बहुत ज्यादा उद्योग प्लस इनिशिएटिव को कहने के लिए आया, जगह से आने का मकसद है कि मैं कभी एक बार वी मस्ट डील विद दिस इनिशिएटिव अबाउट कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास। इंटेलेक्चुअल क्लास का मुकाबला केवल इंटेलेक्चुअल क्लास ही कर सकते, मनुवादी इंटेलेक्चुअल क्लास का मुकाबला नोट एट दिस पॉइंट, मनुवादी इंटेलेक्चुअल क्लास का मुकाबला एक या दो व्यक्ति की कर सकते नहीं कर सकते। वी हैव टू क्रिएट द नेशनल लेवल कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास। अब देखिए इंटेलेक्चुअल क्लास, देखिए पहली थे दो आइडेंटिटी, एक इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी से नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, काशीराम की टीम में काशीराम की नॉन पॉलिटिकल आइडेंटिटी थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कैंजी पॉलिटिकल है, लेकिन इसमें एक बात समझने का है, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल नेवर बिकम सबॉर्डिनेट टू द पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दैट मस्ट बी नोटेड। इसलिए जब ये दोनों आइडेंटिटी मिलजुल कर कॉपरेशन के साथ काम करने लगेगी देश में नई क्रांति की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कृष्ण। थैंक यू।